दोस्तों, मेरा नाम है साजिद और आज मैं आप सबके लिए फिर से न्यू हाउस प्लान ड्रॉ किया हूँ, जिसका साइज इस डायरेक्शन में 24 फीट, इस डायरेक्शन में 45 फीट है। दोस्तों, यह हमारा 4 BHK हाउस प्लान है। दोस्तों, इसमें जो वॉल यूज किया गया है वो हमारा आउटर वॉल 10 इंच का है और हमारा इनसाइड वॉल 5 इंच का है। इससे आप इसका मेजरमेंट निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इसकी स्क्वायर फीट में बात करें तो यह हमारा 1080 स्क्वायर फीट हाउस प्लान है। तो चलिए दोस्तों, डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, यह हमारा मेन एंट्रेंस, यहाँ से हम करेंगे एंट्री अपने इस वेटिंग रूम में। यहाँ पे हमारा मेन गेट है, ये वेटिंग रूम। जिसका साइज ईस्ट साइड 9 फीट 11 इंच और इस साइड 12 फीट दिया गया है। नेक्स्ट, यह हमारा फर्स्ट गेस्ट रूम का डोर, यह हमारा गेस्ट रूम जिसका साइज इस डायरेक्शन में 12 फीट, इस डायरेक्शन में 12 फीट। नेक्स्ट, यहाँ से आएंगे दोस्तों, यह हमारा पैसेज जो कि हमारा 3 फीट 6 इंच का दिया गया है। यहाँ पे हमारा मेन गेट रहेगा घर के अंदर जाने के लिए और यह हमारा टॉयलेट। दोस्तों, इसमें जो टॉयलेट बात दिया गया है वो अटैच नहीं दिया गया है। अगर इसकी साइज़ की बात करें तो इस डायरेक्शन में 6 फीट और इस डायरेक्शन में 5 फीट। और यह हमारा बाथ जिसका साइज इस डायरेक्शन में 6 फीट, इस डायरेक्शन में 5 फीट। ये इसका डोर हो गया। नेक्स्ट, यहाँ से हमारा ये फर्स्ट बेडरूम, जिसका साइज इस डायरेक्शन में 12 फीट, इस डायरेक्शन में 10 फीट 1 इंच दिया गया है। दोस्तों, इसमें दो किचन दिया गया है। यह हमारा फर्स्ट किचन, यह इसका डोर, यह इसका डोर। अगर किचन की साइज़ की बात करें तो यह हमारा किचन, अगर इसकी साइज़ की बात करें तो इस डायरेक्शन में 6 फीट और इस डायरेक्शन में 8 फीट दिया गया है। अगर इस किचन की साइज़ की बात करें तो यह हमारा सेकेंड किचन, जिसका साइज इस डायरेक्शन में 6 फीट और इस डायरेक्शन में 8 फीट। दोस्तों, यह हमारा डाइनिंग एरिया, जिसका साइज इस डायरेक्शन में 9 फीट 5 इंच दिया गया है और इस डायरेक्शन में 8 फीट दिया गया है। दोस्तों, यहाँ से आएंगे हम अपने सेकेंड बेडरूम में। यह इसका डोर हो गया, बेड रूम। अगर इसकी साइज की बात करें तो इस साइड 11 फीट दिया गया है और इस साइड 12 फीट दिया गया है। दोस्तों, यहाँ से आएंगे हम अपने स्टेयर रूम में। दोस्तों, यह हमारा जो स्टेयर दिया गया है वो सेपरेट दिया गया है। आप इसमें डोर लगा सकते हैं, यहाँ पे डोर। दोस्तों, अगर आपको यह स्टेयर ओपन रखना है तो आप इस वेटिंग रूम में इसको प्रोवाइड कर सकते हैं और यह अपने हिसाब से इसे बेडरूम डाल सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ से करेंगे अप। अगर इसकी साइज़ की बात करें तो यह हमारा 2.5 फीट का दिया गया है, 2 फीट 6 इंच, जिस इसका लैंडिंग भी 2 फीट 6 इंच का दिया गया है। और ऐसे करके हम यहाँ पे डाउन। अगर इसकी साइज़ की बात करें तो इस साइड 10 फीट 11 इंच और इस साइड 12 फीट। दोस्तों, यह ऑप्शनल है, आप इस स्टेयर को यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, और इसे बेडरूम या किसी भी तरह यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी विंडो पोजीशन की। तो यह हमारा विंडो पोजीशन जो कि डब्ल्यू से डिंड के गया है। हमारा टॉयलेट का वेंटिलेशन, ये टॉयलेट का वेंटिलेशन, ये किचन का विंडो। दोस्तों, इसमें दो किचन दिया गया है। ये विंडो आप देख सकते हैं, ये सब हमारा विंडो पोजीशन। ये हमारा सेकंड किचन का विंडो, ये बेडरूम का विंडो,
ये गेस्ट रूम का विंडो, ये फ्रंट साइड विंडो। आप देख सकते हैं डब्ल्यू से जो डिनोट किया गया है वो हमारा विंडो पोजीशन है। दोस्तों आप इसकी कलम पोजीशन को देख पा रहे होंगे, जैसे कि ये हमारा रेड कलर में, ये सब हमारा कलम पोजीशन। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस हाउस की साइज की। तो यह हाउस हमारा 24 फीट × 45 फीट का हाउस प्लान है। अगर स्क्वायर फीट में बात करें तो यह हमारा 1080 स्क्वायर फीट हाउस प्लान है। दोस्तों अगर आपको यह प्लान पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें।